नौवीं क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम 16 साल की छात्रा ने खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर ली और खुद सुसाइड कर लिया। क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ, क्या उस लड़के लड़की के सपने थे और कैसी थी वास्तव में, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उस लड़की के भाई हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी बहन का नेचर कैसा था, किस तरीके की थी वो। वैसे वो चंचल सी थी, सॉफ्ट नेचर, बहुत भोली सी थी। उसको कोई मजाक भी कह देते तो सीरियस ले लेती थी। जैसे मैं कभी मजाक कर देता मेरे लग गए, वो इतना सीरियस ले लेती थी, लेकिन मैं फिर उसको बता देता था नहीं लगी तो मारती थी। एकदम प्यारी सी थी, सुन मतलब कहते हैं ना भोली वाली सी, एकदम किसी को जिसको दुनिया की परख ही नहीं हो, उसको दुनिया की बिल्कुल परख नहीं थी। बस कहती थी कि भैया तेरे मूवी आएगी, तेरा गाना आया गाना, तो मैं भी फेमस हो जाऊंगी। उसको नहीं पता था कि वो मुझसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो मेरे से बड़ी डांसर थी। डांसिंग का बहुत शौक था उसको, कई सारे प्लेटफॉर्म पे गई, वहाँ पर उसने परफॉर्म किया। कहाँ कहाँ परफॉर्म किया था और डांसिंग को लेकर कितना पैशन था उसके अंदर? कथक डांस फेस्टिवल होता है हर साल नोएडा में, मेरे पिताजी के इंस्टीट्यूट से। वसंतोत्सव होता है हमारे दादा गुरु जी पंडित बिरजू महाराज जी के, वहाँ पे कथक यज्ञ होता है, उसमें हमेशा करती थी वो। और बहुत भी हैदराबाद में गई थी, खजुराहो, आपका वैशाली, थावे महोत्सव, बहुत सारे मतलब अनगिनत शोज वो कर चुकी थी। और प्लस वर्कशॉप भी लेने लगी, बच्चों को सिखाने भी लगी थी। ये जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले कुछ लगा कि उसके नेचर में कुछ चेंज आ रहा है या फिर वो टेंस लगी आपको? टेंस तो रहने लगी थी एग्ज़ाम को लेकर, वो हर एक बच्चा टेंस हो जाता है एग्ज़ाम जैसे ही डेट शीट पास आने लग जाती है। लेकिन इस बार उसको डर लगने लगा था, मेरे से बोलती थी भैया साइंस सॉरी SST में को डर लग रहा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, तुझे डाउट होगा मैं बता दूंगा, और भाई ट्यूशन करा देंगे। पढ़ के आ गई भाई, बहुत खुश थी SST वाले पेपर वाले दिन, बहुत खुश थी। बोलती भैया मैं बहुत सारा लिख के आई। मैंने बोला दिखा, तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस हुआ, तो मैंने बोला मैं बस इतना डिस्कस करूँगा जितने में मुझे लगे तू पास है, उसके आगे क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पास हो गए, उसके आगे बोलती भैया कर लो ना और भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैंने नहीं तू पास है, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी बहन को ये लुढ़का देंगे। 7 नंबर 80 में से दिए। साइंस में 2 नंबर से किसको फेल कर सकते, कोई भी सब्जेक्ट में। अगर आपको, आपकी बात करता हूँ मैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 2 नंबर कम आ रहे तो आपका टीचर आपको ग्रेस मार्क देकर बढ़ा सकता है ना आगे। ऑब्वियसली बात है, जब बच्चा अगर 2 मार्क्स कम भी है तो आप बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाया। रिजल्ट के बाद टेंस में थी, रिजल्ट के बाद क्या करूँगी? रिजल्ट के बाद उसने बहुत रोना धोना करा, फिर मैंने डांटा भी, मैंने मनाया भी, मम्मी पापा समझाते, सब समझाते कि क्यों रोती है, हो जाएगा, वापस रीटेस्ट है, अच्छे नंबर ला दे, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी, समझ भी गई थी। फिर अगले दिन वो अपने दोस्त के घर भी गई, हमने बोला कि चलो 2 दिन रह ले पूरा, मतलब सुबह के। फिर नेक्स्ट जैसे 17 को गई, 18 की रात में हम लोग लेके आए उसे, तो वो पूरा दिन मतलब वो जब वापस आई तो पूरा फ्रेश अप होके आई थी। बोलती भैया मतलब लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा कदम उठा लेगी, कैसे लग नहीं रहा था कि एकदम कदम उठाएगी। इनफैक्ट परसों इसकी डेथ से पहले इसने मेरे साथ खूब, मैं कॉलेज से आया हूँ, मैं लेटा हूँ, मेरे साथ खूब खेल रही थी, गुदगुदी कर रही है, मुझे कभी मार के भाग रही है, कभी कुछ कर रही है, मैं सो रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ा दे रही है जैसे बच्चियाँ करती हैं। और फिर मुझे कहती भाई तू जिम जा रहा है, जिम के बाद चिप्स ले आई, मैं चिप्स ला नहीं पाया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे क्या पता था मैं अपनी बहन से नहीं मिलकर जाऊँगा तो शायद कहीं मुझसे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये वो आखिरी पल थे जो आपने उसके साथ बिताए थे। अगली मॉर्निंग में उठाने भी गया तो पापा ने मना कर दिया, बेटा उसकी तबीयत खराब है मत उठाओ। मैंने पापा ठीक है कॉलेज आके मिल जाऊँगा। कॉलेज में भी उसके 2-3 बार फ़ोन आ जाते थे किसी न किसी रीज़न से, उस दिन फ़ोन भी नहीं आया मेरे पास जब तक जिंदा थी। शायद मैं ही कर लेता कॉल तो शायद मैं उसको कुछ लालच देकर उसको रोक लेता। उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, शायद पिज़्ज़ा को देख के रुक जाती। ड्रीम क्या था उसका, क्या बनने की सोची थी उसने लाइफ में? अपने पापा का डांस एक 7वें आसमान पे ले जाना, उसका ड्रीम ही ये था कि एक कथक डांसर बनना है। मेरे पापा तो डांसर हैं लेकिन उनसे उनका नाम भी मेरे को और ऊँचा करना है, उसका ड्रीम ही ये था। वो कहती अगर साथ साथ मुझे एक्टिंग मिल जाएगी तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी। वो हर एक बच्चे का शौक होता है कि एक्ट्रेस बन जाए, मॉडल बन जाए, लेकिन उसका मेन ड्रीम जो सपना सपना रह गया वो एक कथक डांसर था। जिस लड़की ने जो नोएडा में रहती थी उसके बारे में उसके भाई ने बहुत सारी बातें बताई, बेहद हसमुख, बेहद चंचल थी और डांसिंग में अपना करियर बनाकर एक नई ऊंचाई छूकर
अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन ये तमाम जो सपने हैं उसकी कहानी के साथ ही अधूरे रह गए। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, नोएडा।